बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, मुल्क में रहने वाला अक्सरियती तबका ऐसा महसूस होता है कि वो किसी मायूसी और बदहवासी का शिकार है। यही वजह है कि उनका खालिस मजहबी प्रोग्राम भी अब खालिस मजहबी प्रोग्राम नहीं रहा, बल्कि उनके मजहबी प्रोग्राम में भी अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो वो भी मुसलमानों को बदनाम करने का टॉपिक है। ये वीडियो जो आपके सामने चल रहा है, इसके बारे में वजाहत तो नहीं की जा सकती कि कहां से है, लेकिन ये नवरात्र में चल रहे किसी गरबा आयोजन का वीडियो है। इसमें मुस्लिम नौजवान की तस्वीर को दिखलाया गया है कि किस तरह मुस्लिम नौजवान हिंदू लड़कियों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और जब वो उनके जाल में फंस जाती है तो फिर वो अपनी असली सूरत दिखा देते हैं और उनको मार डालते हैं। गोया के लव जिहाद पर नाटक करके ये बताया जा रहा है कि किस तरह मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाकर मार देते हैं। इस वीडियो को नफरत की निगाह से देखने के बजाय ये बात भी सोचने की है कि वो अपनी बेटियों को आगाह कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि गैर मजहब से दोस्ती नहीं करनी, उनके प्यार मोहब्बत के जाल में नहीं फंसना है और उनसे दूर रहना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ये बड़ी गौर व फिक्र की बात है। आज साजिशन हमारी कौम की सैकड़ों बहन बेटियां रोज मुर्तद हो रही है, गैरों के साथ भागकर शादियां कर रही हैं और हकीकतन उनके साथ शादी के बाद तमाम गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम बस तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि अक्सर केसेस में लड़की के माँ बाप का रवैया और उनकी तरबियत जिम्मेदार होती है। बहरहाल हमें फिर भी इस मामले में बहुत कुछ करने की जरूरत है जो हम नहीं कर रहे हैं। क्या करना है ये मुझसे मत पूछिएगा, आप खुद भी समझदार हैं और आप सबको भी पता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।